रतलाम जिले के नाबली नगर परिषद के सीएमओ अरुण कुमार ओझा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सूचना के अधिकार नियम के तहत जानकारी नहीं देने का सामने आया है, जिस पर राज्य सूचना आयोग ने कार्रवाई करते हुए उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। दरअसल सन 2012-13 में श्याम सुंदर परिहार द्वारा एक RTI के माध्यम से नगर के विकास कार्यों को लेकर जानकारी मांगी गई थी, जिसका उन्होंने तय समय में जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद आवेदक ने कलेक्टर को भी इस मामले से अवगत कराया, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकल सका, जिससे परेशान होकर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग भोपाल को शिकायत कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने पूर्व CMO पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया। मैंने नामली नगर परिषद में सन 2012 में जब एल्डरमैन था, तब मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी 3 बिंदुओं पर, तो इन्होंने 1 महीने के अंदर जो देने का नियम है उसमें इन्होंने नहीं दी। उसके बाद मैंने लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्टर को बोला था, उसके बाद इन्होंने भी नहीं दी। फिर मैंने राज्य सूचना अधिकारी भोपाल को अपील की थी, तब से यह प्रकरण चल रहा था। उसके बाद दो बार, एक बार लोक अदालत उज्जैन भी तारीख पे आए थे, उसके बाद फिर दो बार भोपाल भी तारीख हुई थी। फिर इन्होंने लिखकर आश्वासन दिया था वहाँ पर कि मैं 1 महीने के अंदर दे दूँगा, जब इन्होंने 1 महीने के अंदर भी नहीं दी, तब उन्होंने फिर इनको दो बार फिर बुलाया, पर ये तारीख पर नहीं गए। इसके बाद इनके ऊपर जुर्माना 25,000 रुपए का राज्य सूचना अधिकारी द्वारा लगाया गया। हालांकि आवेदक को RTI द्वारा मांगी गई जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है, वहीं इस मामले में वर्तमान CMO ने आदेश होने पर जानकारी देने की बात कही। रतलाम से सोमनाथ योगी की रिपोर्ट। पूर्व मामला तो सामान्य है, क्या है कि कोई भी व्यक्ति शासकीय कार्यालयों से जो जानकारी नियमानुसार उनको प्रदान की जा सकती है, उनको मांगने के लिए आवेदन लगाता है, नियमानुसार निश्चित समय अवधि में इसकी जानकारी दी जाती है। अगर नहीं दी जाती है तो उसमें शास्ति का प्रावधान है और उसको लगाने का अधिकार राज्य सूचना आयोग को है। राज्य सूचना आयोग द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई है।